पास में क्लूज आएंगे, अगर आप फर्स्ट क्लू पे गेस कर लेंगे तो आपको 10 पॉइंट, देन 7, देन 5 एंड देन 3। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, तो हमारी एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर फ्री ऑडियंस क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं, सर से राय ले सकते हैं, है ना, समझ में आ गया। और केवल 30 सेकंड के अंदर आपको सारे जवाब देने हैं। तो जीवन जी हाउस के लिए सर पहला क्वेश्चन का पहला क्लू क्या है? He was born on 23rd July 1856 in Ratnagiri, Maharashtra. Second clue दीजिए को। He was the male leader of Garam Dal. Third clue दीजिए। He started home rule movement. Lala Lajpat Rai is not the correct answer. सर फोर्थ क्लू पे आ जाए सर। हिज टाइटल वाज लोकमान, और अभी आपने जवाब दिया था कि बारे में लोकमान बाल गंगाधर तिलक के। आपको ऐसे नहीं आता है तो आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं ना। तो नो मार्क्स टू सीवर जी। इट इज टैगोर हाउस के लिए सर पहला क्वेश्चन का पहला क्लू क्या है? He was born on 23rd January 1897 at Patna. Second clue. His parents were Jankinath and Prabhavati. Third clue. He founded Forward Block. अगला clue भी दीजिए। चौथा clue भी दीजिए इनको। He said, तू मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँ। करेक्ट। तो 3 पॉइंट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ सर, अशोक हाउस के लिए पहला क्लू क्या है? She was born on 13th February 1890 Hyderabad. Second clue sir. She was the first governor of UP. Sarojini Naidu. Sir, जरा आगे बढ़ कर चेक कर लेते हैं आंसर। Yeah, absolutely right. So second clue is 7 points. Raman House. It is situated on the banks of river Chitra. It is one of the 12 Jyotirlingas. Third clue is here. Bhasmarti is its main feature. Jaina Mahakaleshwar Temple. Sir, check kar le sir. And PM Modi inaugurated Swaminarayan on 11th October. Mahakal. बिल्कुल सही जवाब है। तो आपने third third to five fourth में three एक five points। और इसी round का एक और question है शिवाजी हाउस के लिए आया है। She died on 6 February 2022. Second clue sir. She was 92 at the time of lifetime यूज करेंगे। हाँ, तो हम चलते हैं अवधेश सर के पास। अवधेश सर, इसका क्लू है कि she died on 6 February 2022। और ये आप लोगों ने हाल ही में इंडियन आइडल बहुत बड़ी लता मंगेशकर जी का आपने अभी निधन सुना था, और लता मंगेशकर जी इंडियन जो स्पील है शास्त्रीय से लेकर के क्लासिकल सही है या नहीं है सर? आप लोग
लता मंगेशकर बिल्कुल सही है। तो ये तो एक बार जोड़ा तालियां कितने ऑडिशन में भी करते एक्सपर्ट की बारी आ गई। आप नहीं आता है तो आप लाइव ट्रेन यूज कर सकते हैं, मैं बोला है। चलिए सर आप एक की क्वेश्चन ऐसा है और एक एक लाइव ट्रेन बची है। चलिए टेगोर आपके लिए सर। Situated in New Delhi, it was built by Maharaja Jai Singh II of Jaipur. Second clue lenge. It is used for astronomical observation. Life flying lenge sir. Aap desh karke aapki baari aayi dekho. Jitni baari aayi. Students, बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए नई दिल्ली में इसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था और ये जंतर मंतर है जहाँ तक मेरी जानकारी है। जंतर मंतर डे कैलकुलेशन के लिए इवन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के लिए भी किया जाता था। तो अगर आप लोग इस पे हाँ तो सर चेक करें तो जंतर मंतर आंसर है कि नहीं इसका। It was constructed in 1734. Its height is 720 feet. और आंसर क्या है? बिल्कुल सर थर्ड कैन देखिए his childhood name was नरेंद्र। Second clue. He was born on 12th January, 1863. You know, he was born on January 1863. He gave very powerful speech on Indians of Chicago. I think the most known name और इंडिया की लीगेसी के बारे में अगर आप बात करते हैं और स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर आपको नहीं पता तो फिर बहुत ही अफसोस है। और नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं हम लोग, अंतर विद्यालय भी मनाते हैं 12 जनवरी को। तो नो पॉइंट है ना, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। आपको डाउट है पहले राउंड से आप लाइव लाइन यूज कीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड। ही वाज बोर्न ऑन 15 अगस्त एट लाइव लाइन। ये देखिए स्मार्ट चलिए सर के पास की राम आते सर। 15 अगस्त को जो इंडियन ग्रेट फ्रीडम फाइटर और जो पर्सनालिटी बोर्न हुई है, अभी 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं और अभी तो पांडिचेरी में इन्होंने अपना आश्रम बनाया और भी लो आश्रम और भी लो सोसाइटी है वहाँ। एंड दैट्स अ ग्रेट विजिटिंग प्लेस आल्सो टूरिस्ट प्लेस। तो मेरे ख्याल से वही है अरविंद घोष। सर जरा चेक करें जरा, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। ही एडिटेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम, आप भी जान लीजिए। The Life Divine is a famous book and he moved to England to study there so that he could pass the exam at CS. और आंसर क्या है? पार्किंग के पास। बहुत सही जवाब है। आपने आपके बारे में बढ़िया जानने के लिए। देखिए ये है आपके लिए स्मार्ट। आपको डाउट है तो तुरंत लाइफ लाइन पर आप लोग वेट करते हैं।